The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स का एक्सप्लेनेशन की पूरी सीरीज हम कर रहे हैं. हमने अल्फा और साथ ही एकाई बेरीज की ऑलरेडी वीडियोस बना दी है. आगे आने वाले हैं एलोवेरा और हम ए से शुरू कर रहे हैं. सो अभी आ गया आपके सामने चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल. क्या है ये, क्यों इस्तेमाल होता है, लोग इसे क्रीम्स में लगा के चेहरे पे लगाते हैं, बट बाकायदा ये ज़्यादातर है ना खाने के लिए डॉक्टरी तौर पे इस्तेमाल होता है, और क्यों ऐसा खाने के लिए इस्तेमाल होता है और किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है और किस क्या इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आज हम बात सारी देखेंगे. ऑल रेफरेंस्ड फ्रॉम नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एंड आपको प्रूफ के तौर पे रेफरेंस भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट एक्टिवेटेड चारकोल. सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले सब्सक्राइब करो, इस हर वीडियो को लाइक कर दिया करो, ज़्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए. अगर आप जानते हैं, मानते हैं इस वीडियो से या ऐसे इस चैनल से आपकी मदद होती है तो इसके वीडियोज़ को दुनिया भर में फैलाने में हमारी मदद करिए. ऑलराइट, सो एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? देखिए, चारकोल के अंदर एक ही पेन प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल में कुछ पोर्स होते हैं, गड्ढे टाइप होते हैं मान लीजिए, जो कि केमिकल्स को ट्रैप कर सकता है. सो अल्टीमेटली एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज टू ट्रैप केमिकल्स ताकि वो केमिकल आपको हार्म ना पहुंचाए. सो अगर आपने गलती से कोई पॉइजन खा लिया, कोई ऐसा पॉइजन है जो कि शरीर में जाके, खून में जाके एब्जॉर्ब होके आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो उस स्टेट पे अगर हम आपको एक्टिवेटेड चारकोल पिला दें, दे दें, तो कुछ पॉइजन एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको ट्रैप कर लेगा और उसे एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. राइट, तो ये एक टिपिकल मेडिकली प्रूवन यूज है टू ट्रीट पॉइजनिंग, मगर हर प्रकार की पॉइजनिंग को नहीं ट्रीट कर सकते. अगर कोई केमिकल है ऐसा जो एरोसिव है, एसिड है, तो वो ऑलरेडी एसिड आपके पेट के अंदर जलाते हुए जा चुका है, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल देने का कोई फायदा नहीं होगा. सो कुछ प्रकार के पॉइजन्स में, कई प्रकार के पॉइजन्स में काम आता है, कुछ में नहीं. चारकोल होता क्या है? चारकोल इज बेसिकली मेड फ्रॉम कोल, वुड, कोकोनट शेल या पेट्रोलियम और पीट, इनसे बनता है. एक्टिवेटेड चारकोल तब बनता है जब इस चारकोल को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ गैस. गैस के प्रेजेंस में उसको हीट करते हैं. इस प्रोसेस में चारकोल के अंदर बहुत सारे इनर्ट इंटरनल स्पेसेस बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, तो उसे एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं. दीज पोर्स आर द वंस जो हेल्प करते हैं केमिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं. तो इसका कॉमन यूज है टू ट्रीट पॉइजनिंग. इसके और भी यूज होते हैं, लोग इसको हैंगओवर उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि दारू एब्जॉर्ब कर लेगा और दारू अंदर नहीं जाएगी, बट एक्चुअली इतनी देर में तो दारू ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है. सो टेक्निकली, साइंटिफिकली देर इज नो एविडेंस फॉर दैट. हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप खाना खाते हो उसके बाद ये खाते हो तो शायद कोलेस्ट्रॉल को ट्रैप कर लेगा. अगेन देर इज नो साइंटिफिक, साइंस ऐसा नहीं मानती कि भाई ये इसमें काम करेगा. इवन लोग स्टमक अपसेट हो तब भी एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं कई बार, बट साइंस भी इसको नहीं मानती कि वो इसमें काम करेगा. सो अल्टीमेटली एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजनिंग में बिल्कुल इफेक्टिव है. इसमें माउथ में लेने पे वो कुछ प्रकार के ड्रग्स, जो दवाइयाँ, जैसे कि कोई, अगर मान लीजिए आपने पेस्टिसाइड खा लिया या कोई ऐसी चीज़ जो शरीर में जाके बहुत खतरनाक इस्तेमाल करेंगे, खतरनाक इफेक्ट देंगे, तो उस पॉइजनस सब्सटेंस को पेट से एब्जॉर्ब होने से रोकने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल दिया जा सकता है. ठीक है, सो दैट इज वन थिंग.
and it should only be used under the guidance of a doctor, healthcare provider with standard, जिनको पता है इस प्रकार की poisoning की standard treatment में activated charcoal है, ठीक है? तो और अगर आप दूसरे कोई use के लिए बात करें तो उसका कोई evidence नहीं है, हाँ इसकी safety concerns है, अगर इसको मुंह से लेते हैं तो इट इज सेफ फॉर शॉर्ट टर्म यूज के लिए सेफ है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक अगर इसे लेंगे तो आपको काले स्टूल्स आ सकते हैं, ब्लैक स्टूल्स इंटरनल और दैट इज और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, याद रखिए। अगर आप इसे ऊपर से मुंह पे लगाते हैं, आजकल के प्रोडक्ट्स में एक्टिवेटेड चारकोल लगा हुआ मिलता है, उनका ये मानना है कि ऊपर से लगाने से ये आपके स्किन से हार्मफुल केमिकल्स को या कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसा होता है या नहीं, इसका कोई खास एविडेंस नहीं है साइंस के अंदर। और एक्टिवेटेड चारकोल, लेकिन ऐसा ऊपर से लगाने से इट इज लाइकली सेफ, ठीक है, इट इज सेफ। और इवन कई लोग इसको वूंड में भी लगाते हैं, घाव पे लगाते हैं कि घाव से जो पॉइजनस चीजें हैं उसको वो सक ट्रैप कर लेगा, उस केस में भी इट इज कंसिडर्ड ओके सेफ। मगर बिकॉज टेक्निकली जब इसको बॉइल केमिकल्स के ऊपर पेट से दिया जा सकता है, ये पॉइजनस टाइप चीज खुद नहीं होती है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब नहीं होता, सो इट इज अपने आप में इनर्ट होता है, एक तरीके से स्टराइल होता है बिकॉज इसको हीट ट्रीटेड होता है, तो उसमें भी आप इसे लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले केसेस में भी ये पॉसिबली सेफ है, प्रेगनेंसी केस में भी आप यूज कर सकते हैं। और गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज अगर आपको है, कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, तब इसे नहीं यूज करना है। और अगर आपको कब्ज रहती है, स्लो मूवमेंट रहता है, तब ये यूज करने से इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज फॉर्म कर सकता है और आपके भैया फिर आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो एक ही कंडीशन में इसे नहीं इस्तेमाल करना है। और अगर इस चीज के लिए अल्कोहल अगर आप लेते हैं इसके साथ, दारू विथ एक्टिवेटेड चारकोल, तो कैसे एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम करता है, उसके काम को के अंदर इंटरफियर कर सकती है दारू, सो पॉइजन का एब्जॉर्प्शन कम करवा सकता है, यानी उसका इफेक्ट कम कर सकती है दारू। बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी एब्जॉर्प्शन को रोक देंगे एक्टिवेटेड चारकोल, मतलब वो अगर एक्टिवेटेड चारकोल पेट में गया और बर्थ कंट्रोल पिल भी गई, तो बर्थ कंट्रोल पिल का दवा को वो ट्रैप कर लेगा, उसके एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल एटलीस्ट 3 से 3 घंटे बाद या 12 घंटे पहले आपको लेना चाहिए किसी भी दवा से, कोई दवाई का इफेक्ट वो गड़बड़ कर सकता है मुँह से ले रहे हैं तो। ओरल ड्रग्स के लिए भी यही वाली बातचीत है, कई सारी दवाई जो है वो उसका इफेक्ट कम कर सकता है। इपिकैप, जो सिरप ऑफ इपिकैप आता है, अगर वो इफेक्ट उसका भी इफेक्ट कम करता है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। खाने पीने के साथ इसका कोई खास इंटरेक्शन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काले रंग को डालने के लिए भी, काला खाने में काला रंग डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्थ केयर में अगर आपको पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में 100 ग्राम आपको मुंह के थ्रू दिया जाता है, और वूंड ड्रेसिंग में भी इसको डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। सो ये है बातचीत एक्टिवेटेड चारकोल की। ये आपके स्किन से कोई बहुत ज़्यादा नूरानी इफेक्ट नहीं कर देगा, ठीक है, स्किन पे लगा लेना इज नॉट गोइंग टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट इफ यू डू इट यू कैन, देयर इज नो सच हार्म इन इट, ओनली थिंग इट कैन कॉज इज ड्राइनेस, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है चारकोल वाले मास्क लगाने से। ये स्किन वाला और ये बाकी वाला सारा चीज आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फील इट विल गोइंग टू हेल्प समबडी एवरीबडी, एंड प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने अगले आने के लिए कोई भी जो भी आप टॉपिक चाहते हैं जरूर लिखाएं, हम जरूर ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।